हर बार कहीं भी हम इसको लेके जाते हैं तो इसको कैमरामैन हम रखता ही है मतलब। थैंक यू मैम। कितना घंटा? 5, 6, 7, 8 अभी 3 घंटा ऐसे हो गया हम लोग दोस्तों के रूम में। और ऑर्डर किया ये देखो, ये गोगनी उसका, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं ये जगह बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। बस यहाँ से न्यू स्टेशन देखते है चौकी आई जाए। सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो भी इतना खास नहीं होने वाला है, जस्ट डेली ब्लॉग करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं अपना दोस्तों को लेने के लिए। ये तो मतलब वीडियो बनाने का मतलब वो नहीं था, बट फिर भी बना रहे को हमें चाहिए डेली ब्लॉग। उसके बाद अभी हम लोग मतलब दोस्त लोग आ रहे हैं बेंगलोर से, और बेंगलोर से होके वो लोग गुवाहाटी में आया था ट्रेन से, और अभी गुवाहाटी में फिलहाल वो लोग गुवाहाटी से निकल चुका है और जोरहाट भी पार हो चुका है। वो लोग नाइट सुपर से आ रहा है शायद, हमको लगता है इतना। तो उसके बाद हमें फिर वो लोग को लेने के लिए वो लोग जोरहाट छोड़ रहे हैं, तो कुछ ही देर में वो लोग पहुंच जाएगा। और अभी तो शाम का वक्त भी हो रहा है, तो अब वक्त है यहाँ से निकलने का। और ये हमारा दोस्त जो कि हर बार कहीं भी हम इसको लेके जाते हैं तो इसको कैमरामैन हम रखता ही है मतलब। थैंक यू मैम। तो हम इसको कैमरामैन रखते ही है। और इधर का कॉलोनी मतलब इधर आने का बाद हमको एकदम मतलब ये सब देख के, तमुल गच्ची सब देख के, बेम्बूस वगैरह देख के एकदम बस्ती वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब अपना बस्ती का फीलिंग। देखो ये सब बेम्बू गच्ची सब देख के बस्ती का फीलिंग आ रहा है। तो बस्ती जाना है कुछ नहीं, तीन चार दिन हार्डली 3-4 दिन है, उसके बाद हम अपना बस्ती पहुंच जाएगा। दैट्स इट, अब चलते आगे की ओर। फिलहाल तो अब हम पहुंचे हैं एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये जगह बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। बस यहाँ से न्यू स्टेशन देखता है, और मतलब यहाँ ये तो एक चल ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, तो इसका नीचे से होके ट्रेन का रास्ता है, रेलवे रास्ता है। तो इधर से कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बेहतरीन सुंदर दिखता है। जब ये मतलब क्या बोलते हैं जब डूब देगा ना, तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोग पहले भी इधर आ चुका है, और ये देखो एकदम मतलब सुंदर से हो गए। ये तो नॉर्मली एक ब्रिज है, तो इधर से होके इधर से जाता है ब्रिज। तो वो देखो मेरा दोस्त, और देखो ब्रिज का ऊपर से कॉलोनी नजारा कुछ इस तरह दिखता है। देखो हमें एक टावर, हमें एक टावर, और ऐसे टावर हमें भी एक दे दो अपना बस्ती में यार, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। ये देखो कुछ इस तरह दिखता है, एकदम मजा। जैसे हम आप लोग को बोला था कि ये ब्रिज कहीं ना कहीं से बहुत सुंदर दिखता है बोल के, सो आप लोग को दिखाएगा। ये देखो जब इधर से सनसेट होगा, आप लोग जस्ट इमेजिन करो इधर से जब सनसेट होगा, और इधर से ट्रेन आ रहे हैं, और एक DSLR लेके बढ़िया सा कैमरा लेके इधर से फोटो क्लिक कर रहे हो। देखो सन इधर होगा, सन इधर होगा तो ट्रेन आ रहा है, और इधर से आप फोटो क्लिक कर रहे हो एकदम मस्त वाला कैमरा लेके, तो कितना मजा आएगा जस्ट इमेजिन करो। देखो अपना दोस्त एकदम सुंदर नजारा को देखते हुए कैसा फील हो रहा है? मस्त है ना एकदम? बढ़िया है एकदम, पूरा मौसम भी एकदम मस्त वाला, और इस तरफ देखने से तो और भी मजा आता है। ये देखो वाओ नाइस, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है, एक्साइटेड। तो अभी रात भी हो रहा है, अभी दोस्त लोग कब पहुंचेगा मालूम नहीं, और हमको लगता है 1-1.5 घंटा लगेगा तभी ये लोग पहुंचेगा टाउन। तो देखते तब तक स्टे ट्यून्ड। अब पूरा एकदम रात का वक्त हो चुका है, और हमें थोड़ा मतलब भूख लगा है, भूख मिटाने के लिए हम लोग एक अंकल का स्टॉल में आया है, एकदम हम लोग कुनिया का सामने है, दोस्तों को रुकेगा उसका बाद खा के बैठे। IOC गेट हाँ, इस तरफ से जाता है हम लोग अपना रूम, इधर आना जाना करते रहते हम लोग भी। तो अभी तो यहाँ से हम लोग एकदम समोसा खा रहे हैं, और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, बट वो मतलब पूरा पोर्ट्रेट मोड में था बोल के हम, और फिर से बना रहे हैं। अभी दोस्त फिलहाल उसका समोसा वगैरह खत्म हो गया, और हम लोग ऑर्डर किया ये देखो, ये गोगनी उसका, जिसमें चटनी भी है, ये बोला गेगी पुदीना, उसका बाद क्या बोलता है रस, प्याज लहसुन वगैरह है, गोगनी एकदम मस्त से खाएंगे। और इसका एक समोसा का कितना जानता है? एक समोसा का 5 रुपया इधर,
अंकल का स्टॉल में, इतना इतना है पर फिर भी ठीक है, एक कप एक कप 5 रुपए। और ऐसे दोस्त लोग अभी तक डिब्रूगढ़ क्रॉस नहीं किया बोला, अभी तक डिब्रूगढ़ पहुंचा नहीं और टाइम लगेगा बोला है, मतलब 1.5 घंटा ऐसे लग सकता है, और तो हम लोग को रुकना पड़ेगा। तब तक के लिए हम लोग सब एंजॉय करते हैं। बस तो गैस अभी पूरा हम लोग अंकल से वो जो हम लोग जैसे देखा है समोसा वगैरह खा रहा था वो बहुत पहले, मतलब वीडियो में तो देर से मतलब थोड़ा ही समय लगता है जस्ट 1 सेकंड, तो हम लोग बहुत पहले खाया था वो, तो अभी पूरा अभी तो 8:04 है और हम लोग जब वो खा रहा था तब 5 था, अभी 8:04 है। कितना घंटा, 5, 6, 7, 8, अभी 3 घंटा ऐसे हो गया हम लोग दोस्तों को रूम में, और वो लोग मतलब हमको कॉल किया था कि मतलब वो डिब्रूगढ़ में तो पहुंच गया, वो लोग का बैग मतलब कोई ले गया था और उसको कॉल करके वो ला रहा है बोला अभी। तो हम लोग इसी बीच में हम लोग कहीं दो जगह में उधर पहले गया, हम लोग मीट लेने गया था मैं, हम और मेरा दोस्त, तो मीट लेने गया था। उसके बाद फिर वहां से यहां बेटा है क्या, कभी मिक्सर खा रहे हैं कभी छाना खा रहे हैं, वो लोग को रुकते रुकते हम लोग फुटका भी हो जाए क्या बोलते हैं अभी, और कितना आप अभी और ट्रैफिक भी ना वो नहीं हो रहा है अभी तो, मतलब जाम नहीं हो रहा है तो पूरा एकदम मतलब धूली धूली उड़ रहा था। तो देखिए फिर और 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे रुकेगा, उसके बाद वो लोग नहीं आने से हम लोग चला जाएगा, और खाना भी पकाने और आपको ये वीडियो भी एडिट करने, देखते हैं कब तक वो लोग आते हैं ना। इसको भी मतलब बोरिंग लग रहा होगा, और मेरा बैटरी भी ज़्यादा नहीं है अभी, सिर्फ 9% ही है, तो कैसे इतना बोरिंग से बैटरी मिल रहा है हम लोग को, नहीं खाया मेरा हो गया। 2 hours later. Guys, अब जाके हम रूम पहुंचे हैं और हमारे साथ अपना दोस्त लोग अभी तक नहीं आया, मतलब हम लोग पूरा मतलब 8 बजे तक रुका था बट नहीं आया, और अभी आ रहा है बोलते हमको, अभी कॉल किया जब हम लोग पहुंचे तभी हम लोग आ रहा है बोलते डिब्रूगढ़ से। तो हम लोग सोचे कि हम लोग जाएगा, वो लोग को बोला ज्यादा देर भी हो रहा है, खाना भी पकाना है नहीं तो देर हो जाएगा बोल के, तो वो लोग हम लोग जस्ट 3 कुलिया में उतरो वहां से 20 रुपया में पहुंच जाएगा बोल के, तो ऐसे बोला। और अभी हम लोग जस्ट आके खाना वाना पका रहा है, ये देखो अपना दोस्त तो मतलब एकदम मम्मी बन गई, खाना वाना पका रहा है ये सब, मतलब वो क्या है वो करके पका रहा है अभी। इसमें दो जगह में हम लोग ये दोस्त लोग का रूम से लाया था, और ये हम लोग का, तो ये हम लोग का है ऑलरेडी, इसमें वो लोग 4 जन आ रहे हैं और हम लोग मिला के 6 जन होगा, तो इसमें क्या क्या बनाएगा, बॉयल करेगा, बॉयल करके इसको बॉयल करके एकदम मस्त से वो क्या मिर्ची का साथ वो क्या ड्राई फिश का साथ मस्त से खाएगा। मम्मी देखो केक है और मीट का, ये देखो हम लोग जो मीट लाया था एकदम रेडी हो चुका है, पीस पीस के इतना बड़ा बड़ा होता है, बट हम लोग छोटा छोटा करके नॉर्मली खाना पसंद करते हैं, और इसमें नमक और हल्दी सब मिक्स करके एकदम रेडी आया। सो दोस्त लोग भी आए, बाद में आएगा, सो हम लोग स्टे टेन दोस्त लोग को, बाद में दोस्त लोग आने से उसका बाद आप लोग को अपना दोस्त लोग से मिलाएगा, उसका बाद डिनर वगैरह करेगा, उसका बाद सोएंगे आराम से। अभी जस्ट खाना वाना पकाएगा, उसके बाद दोस्त लोग के लिए रुकते हैं। 2000 years later. So guys, अब जाके मेरा दोस्त लोग भैया लोग पहुंचा है हम लोग का रूम में, मतलब बहुत पहले पहुंचा था तो मतलब वो लोग को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, बस वो लोग पूरा इतना मतलब इतना दूर से आया तो थक गया था, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं हम लोग खाना वाना होके हो गया, हम लोग का खा के हो गया डिनर वगैरह। तो ये देखो ये अपना दोस्त और ये भैया लोग लेट रहे, अभी तो खाना पीना हो गया और दोस्त कहाँ चला गया, और एक भैया तो नहा रहा है फिलहाल, तो ये लोग 4 जन आया था हमें, और ये और ये देखो अपना दोस्त जो कि कामख्यापुर से है, और हम कामख्यापुर में 1 साल ऐसे बैठा था ना, और उसी बीच में हम लोग का दोस्ती हो गया। तो सफर कैसा था भाई? मस्त था भाई, मस्त था ना, तो ट्रेन में चरा है, चक्कर वक्कर नहीं है, लड़की देख के सब चला जाता है लड़की देख के सब चक्कर चला जाता है। सो अभी तो ये लोग यहाँ में नहीं बैठे ना, चला जाएगा। क्यों जाए उन्हें, चौकरिया चौकरी वोकरी है क्या भाई, सारी रात नहीं है क्या यार, बच्चे के इल्जाम लगाते हैं। तो गाइस ये लोग तो फिलहाल तो चला जाएगा बोले, और कल सुबह ये लोग वहाँ से निकलेगा, या मैं नहीं बैठेगा बोला, ये लोग को बोला था कि इधर बैठो बोल के, तो ये लोग नहीं बैठेगा बोला। तो इतना ही था गाइस, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।